इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं रहा बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार, जी हां, रुलाकर सबको अपनी एक्टिंग से वो चला गया, रुलाने वाला ही बहुत याद आएंगे दिलीप कुमार। आज देश गम में डूबा है, क्या आम क्या खास, आज हर कोई दुखी है क्योंकि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनके जाने से आज बॉलीवुड के एक युग का अंत हो गया है। दिलीप कुमार की आखिरी तस्वीर सामने आई है। सुबह करीब 7:30 बजे का वो वक्त था जब उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। उस वक्त फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वो तस्वीर में नजर आ रही हैं। लंबे वक्त तक दिलीप कुमार जिंदगी की जंग लड़ते रहे। बीते 8 दिनों की ये जंग तो और भी कठिन थी, कितनी बार ये जंग उन्होंने जीती, लेकिन आज सांसों ने उन्हें अलविदा कह दिया। अब से करीब 1 घंटे पहले उनका पार्थिव देह उनके घर पहुंचाया जा चुका है, जहां आखिरी दर्शन के लिए लगातार जानी मानी हस्तियां भी उनके घर पहुंच रही हैं। आज शाम 5 बजे उन्हें सांता क्रूज के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह 7:30 बजे का वक्त जब उनका इंतकाल हुआ, उनसे मिलने के लिए, उनके खैर खबर लेने के लिए लगातार फोन का सिलसिला ये चल रहा था। मुश्किल वक्त था, डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि 98 साल की उनकी उम्र थी, कई सारी और शारीरिक परेशानियों से वो जूझ रहे थे, और डॉक्टर्स का कहना भी था कि ऐसे वक्त में कहना बहुत मुश्किल होता है। ये एक जंग थी, कई बार उन्होंने जीती लेकिन आज वो ये जंग हार गए। उन्हें इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है, भले ही जिंदगी की वो जंग हार गए हों, लेकिन उन्होंने अपने काम से, अपने अभिनय से जो एक अमिट छाप लोगों के दिलों में छोड़ी है, वो उन्हें सदा सदा के लिए जिंदा रखेंगे लोगों के दिलों में। दिलीप कुमार के निधन से पूरा देश गमजदा है, हर कोई अपने तरीके से दिलीप कुमार को याद कर रहा है, उन्हें आखिरी सलाम कर रहा है। एक्टर्स से लेकर डायरेक्टर्स तक जिन्होंने दिलीप साहब को करीब से देखा, उनके साथ काम किया, उन्हें कैसे श्रद्धांजलि दे रही है, अब आपको दिखाते हैं। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया, बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बंजा सजनवा, हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया, और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था। आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा। अभी तक एक, मैं समझ रहा हूँ कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको, और दिलीप साहब जैसे कलाकार बहुत कम हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बयां करूं कि दिलीप साहब चले गए। 15 साल की सफरिंग के बाद आज वो गए। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देवमूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ एज ए डायरेक्टर, 3 फिल्में बनाई हम दोनों ने, कर्मा, विधाता, सौदागर। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में, मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। मेरे सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका। फिल्म स्कूल विश्लीवुड्स इंटरनेशनल का अगर विचार मेरे मन में आया कि मैं भारतीय बच्चों के लिए कुछ करूं, तो आइडिया मेरा नहीं था, वो दिलीप साहब का था। बहुत दुख का दिन है। सवेरे जब ये न्यूज आई कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनका परफॉर्मेंस, उनका जो कला, हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात कहो, नया दौर, मेला, दीदार, मुगले आजम, फिर बैराग, विदाता, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी, मुझे याद भी नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। और जब आज जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ, और मैं पिछले लास्ट टू लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिल के गया था अस्पताल में,
मैं हालचाल पूछने के लिए, और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा जनरेशन, आगे की जनरेशन को याद रखेगा उनके परफॉर्मेंस से, वो इंस्पिरेशन प्रेरणा लेगा हमेशा। आपने दो दौर के फिल्म डायरेक्टर्स को सुना, आपने सुभाष घई को भी सुना, उन्होंने आपने आज के दौर के डायरेक्टर मधुर भंडारकर को भी सुना। हर कोई ये कहता है कि वो एक इंस्टीट्यूट थे, वो एक संस्थान, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी दिलीप कुमार का पार्थिव देह उनके घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है, जहां कई नामी गिरामी हस्तियां उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। अब से करीब 6 घंटे के बाद यानी 5 बजे सांताक्रूज में कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कब्रिस्तान में अभी क्या तैयारियां चल रही हैं, वहां पर कितने लोग मौजूद रहेंगे, कोरोना का ये संक्रमण काल है, मुश्किल वक्त है, इस तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने स्पॉट से एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। इस वक्त हमें मुंबई के सांताक्रूज कब्रिस्तान के बाहर आज शाम 5 बजे दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को इसी कब्रिस्तान में लाया जाएगा, और यहाँ पर कब्रिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो दिलीप साहब के घर भेज दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर जब उनका पार्थिव शरीर आएगा तब बड़े पैमाने पर लोग जुट सकते हैं, इस आशंका के मद्देनज़र इस पूरे प्रीमाइसिस को खाली करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर मुंबई पुलिस के जो ट्रैफिक के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, टोइंग वैन यहाँ पर पहुँची और इस पूरे परिसर को खाली कर दिया जाएगा। देखिए काफ़ी छोटा सा रूट है और यहाँ पर मुंबई पुलिस का कहना है कि जो भी गाड़ियां हैं उसे यहां से हटा दी जाएगी। साथ ही में यहां पर बैरिकेडिंग लगाने का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही में अगर आप यहां पर देखेंगे बैरिकेड्स लाकर रख दिए गए हैं, अब से कुछ देर बाद इन बैरिकेड्स को यहां पर लगा दिया जाएगा। और यहां पर देखिए सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिलीप कुमार साहब परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अंतिम संस्कार के दौरान जो विधियाँ होंगी, जो प्रक्रिया होगी उसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे उसकी जानकारी लेने यहाँ पर पहुँचे। और ये पूरी जानकारी लेने के बाद अब उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। अब चूंकि कोरोना का काल है, ऐसे में सिर्फ 20 लोगों को ही इस जगह पर आने की इजाज़त दी गई है। सर क्या आप बात करना चाहेंगे? सर आप मुझे बता पाएंगे क्योंकि परिवार के सदस्य हैं किस तरह की प्रक्रिया होगी, कितने लोगों को यहाँ पर इजाजत दी गई है कोरोना काल में? डिसाइड करेंगे कि कितने आएंगे। परिवार की तरफ से आपने लोगों ने क्या तय किया है सर? जी परिवार की तरफ से आप लोगों ने क्या तय किया है? परिवार तो सब अभी बंगले पे ही है और आप लोग तो सब हो उधर ही, तो योर पीपल आर ऑलरेडी देयर, तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बेसिकली आई एम एक्चुअली हैंडलिंग दिस पार्ट ऑफ इट, समबडी एल्स इज देयर ऑलरेडी। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या क्या आपको इन तरह से क्या जानकारी दी गई है, आप उस बारे में बता पाएंगे? आप गेटिंग रेडी द कब्रिस्तान जो भी है, आई विल कॉल यू, आई विल टॉक। देखिए ये इनकी ये हम समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जो प्रक्रिया होगी उसे समझने की कोशिश ये कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस सांताक्रूज के इस कब्रिस्तान में कई सारे लोगों को जो है, कई सारे बड़े सितारे हैं उन्हें यहाँ पर दफन किया जा चुका है। मोहम्मद रफ़ी साहब हो, मधुबाला हो, मजरूह सुल्तानपुरी हो, इसके अलावा ज़िया खान हो, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हो, उनको भी यहाँ पर दफन किया जा चुका है। और इसके अलावा इस कब्रिस्तान से दिलीप कुमार साहब के परिवार का भी काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है, जो सायरा बानू हैं उनकी माता जी को, साथ ही में उनकी बहन को यहाँ पर दफनाया जा चुका है। इसके अलावा दिलीप साहब के परिवार के कुछ जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी यहाँ पर दफनाया गया है। ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना है कि अगर जनाजे की नमाज घर पर नहीं होती है तब उस नमाज को इस ये जो कब्रिस्तान का ये जो प्रीमाइसिस है वहाँ पर जनाजे की नमाज को किया जाएगा। चूँकि कोविड के दौरान सिर्फ 20 लोगों को ही इस कब्रिस्तान में आने की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको ये सिग्नल दिखाना चाहूँगा, इस सिग्नल पर जब भी उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा तब उनके पार्थिव शरीर का जो गाड़ी, जिस गाड़ी में उनका पार्थिव शरीर आएगा उस गाड़ी को उस सिग्नल के पास रोक दिया जाएगा और वहाँ से पैदल चलते हुए जो है लोग इस कब्रिस्तान में पहुँचेंगे। और जैसे ही परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे क्या प्रक्रिया होगी उसकी जानकारी यहाँ पर ट्रस्ट से ली गई। और अब यहाँ पर जो है दिलीप साहब के जो अंतिम विधि की जो है तैयारियाँ यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट का कहना है कि जैसे जैसे परिवार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उस हिसाब से आगे का काम किया जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।
और बहुत बेहतरीन अभिनेत्री रहीं वहीदा रहमान जी, बेहतरीन डांसर, और दिलीप साहब को करीब से शायद उन्होंने अभिनय करते देखा, उन्हें जाना, उनके साथ कई फिल्मों में काम भी किया। हम उन्हीं से जानते हैं कि आज वो दिलीप साहब को किस तरह से याद कर रही हैं। स्वागत है आपका वहीदा जी इंडिया टीवी पर। आज आप किस तरह से याद कर रही हैं दिलीप जी को? सुन के बहुत अफसोस हुआ। वैसे बेचारे बहुत दिनों से सफर बहुत कर रहे थे और मैंने चार पिक्चर की उनके साथ और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव फ्रेंडली वार्म एक्टर थे, वेरी हेल्पफुल, एंड बहुत अच्छा लगा क्योंकि सीरियस जो फिल्म भी दिलिया दर्दिया और आदमी और मसाल और राम और शाम जो थी वो कॉमेडी थी, तो उसमें भी काम करके बहुत अच्छा लगा। वहीदा जी, आपने तो पहले से उनका काम देखा भी होगा और फिर जब आपने उनके साथ काम भी किया, आपकी पहली मुलाकात क्या कभी फिल्म के सेट पर ही हुई या कभी फिल्मी पार्टीज में या कभी कोई भी मुलाकात का पहला किस्सा अगर आपको याद हो? नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरे ख्याल से मैं फिल्म के सेट पे ही मिली, दिल दिया दर्दिया के सेट पे मिली थी। तो उस पहली मुलाकात से जुड़ा हुआ कोई किस्सा या एक एक अभिनेता या एक अभिनेत्री का एक ऑरा होता है, अगर आम दर्शकों की आप निगाह से इसे देखें तो आप लोगों का एक ऑरा होता है जिसके ऑ में सब लोग आ जाते हैं। वहीदा जी, उस वक्त दिलीप साहब का ऑरा किस तरीके का था? ऑरा तो बहुत बड़ा था क्योंकि मैं उनसे काफी छोटी थी और न्यू कमर थी उनके सामने, तो पहले दिन सेट पे मुझे काफी नर्वसनेस हुई, मगर एक दो दिन में उन्होंने उसको अच्छी तरह से फ्रेंडली बिहेवियर था उनका, जेंटलमैन भी, बड़े तमीज वाले बहुत अच्छे थे, तो इसलिए आई रिलैक्स। तो फिर उसके बाद हमने तीन चार पिक्चरें की और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और बड़े इंटेंस एक्टर थे, बहुत बढ़िया काम करते थे, वो सारी दुनिया को मालूम है, मगर मेरा एक्सपीरियंस वेरी इंटेंस एक्टर एंड वेरी सिंसियर, वेरी ऑनेस्ट एक्टर। जैसा भी सीन है, मैंने उनके बारे में एक चीज नोट की, वो अगर सीन सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो भी वो अपनी एक्टिंग से इतना अच्छा संभालते थे, वो फिर उस वहीदा जी, आजकल की जो दौर की एक्टिंग है उससे अगर मैं कंपेयर करूं कि कई बार एक्टर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इम्प्रोवाइज करते हैं किसी सीन को या डायरेक्टर्स को भी डायरेक्ट कर देते हैं कई बार, इनकी जो एक्टिंग का तरीका था या ये सेट पर किस तरीके से, आप खुद कह रही हैं कि बहुत ही कोऑपरेटिव थे, कैसे दिलीप जी बिहेव करते थे, क्या वो भी एक डायरेक्टर्स एक्टर थे या डायरेक्टर्स को वो खुद कभी कभी कमांड कर देते थे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अगर मैंने एक कोई सजेशन दिया डायरेक्टर को और कहा अगर साहब मैं ऐसे नहीं ऐसे कुछ ठीक है, इट डजंट मीन कि यू आर टेकन ओवर द डायरेक्टर चेयर, यू नो। वो तो वापस में खाली, इतने बड़े एक्टर थे, उनका एक्सपीरियंस था, अगर कोई नया डायरेक्टर है उसके साथ काम कर रहे हैं, सजेशन तो एक दूसरे को देते लेते तो है ही जी। इट्स ए गुड हेल्दी एटमोस्फियर जी। वहीदा जी, आप तो सायरा जी के काफी करीबी भी रही हैं, आपकी अक्सर उनसे बात भी होती होगी, इस वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल का वक्त होगा? आई नो, बेचारी, माय हार्ट गोज टू हर, बेचारी, यू नो, अल्लाह उनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि ये सदमे को वो ठीक से के साथ जिंदगी गुजार सकें। मगर हाँ, कभी कभार चार पांच महीने में फोन कर लिया कर देती हूँ, बट नाउ आई फील वेरी बैड फॉर हर, शी इज ऑल अलोन। उनके भाई थे, वो भी गुजर गए, और बस छोटी सी फैमिली है, उनके ब्रदर के बच्चे वगैरह, और आई होप आई डोंट नो हाउ शी इज गोइंग टू डील विद इट, गॉड हेल्प हर जी। वहीदा जी, शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। और दिलीप कुमार के घर से हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।